नमस्कार दोस्तों, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इतिहास में पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिन्हें किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। उन्हें 26 नवंबर को सजा सुनाई जानी है। पर सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा संभव है कि एक राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद भी जेल जा सकता है, और क्या इसका असर अमेरिका में रहने वाले लाखों भारतीयों पर भी पड़ेगा। चलिए जानते हैं इस अनोखी कहानी के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप का सबसे प्रमुख मुद्दा इलीगल इमिग्रेशन रहा है। वो हमेशा कहते रहे हैं कि ये अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा है, लेकिन उनके चुने जाने से केवल अवैध इमिग्रेशन पर ही नहीं बल्कि अमेरिका आने वाले भारतीय प्रवासियों पर भी गहरा असर पड़ सकता है। लाखों भारतीय H-1B वीजा पर अमेरिका में रह रहे हैं, लेकिन हाल के बयानों में ट्रंप ने इस वीजा प्रोग्राम को गलत और अनुचित बताया है। ट्रंप की नीतियां उन भारतीयों को भी प्रभावित कर सकती हैं जो ग्रीन कार्ड की प्रतीक्षा में हैं। सवाल उठता है कि क्या ट्रंप के जीतने पर भारतीय समुदाय को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी चुनाव प्रणाली को समझना बेहद दिलचस्प है। हर 4 साल बाद नवंबर के पहले मंगलवार को अमेरिकी जनता राष्ट्रपति के लिए वोट करती है, लेकिन यहाँ पर जनता सीधे राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करती बल्कि इलेक्टर्स का चुनाव करती है जो इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा होते हैं। ये इलेक्टोरल कॉलेज ही तय करता है कि राष्ट्रपति कौन बनेगा। अमेरिका में कुल 538 इलेक्टर्स होते हैं और जीतने के लिए किसी उम्मीदवार को 270 इलेक्टोरल वोट्स की जरूरत होती है। दिलचस्प बात यह है कि कई बार राष्ट्रपति बनने वाला उम्मीदवार अधिक वोट न प्राप्त करके भी जीत सकता है, जैसे 2016 में डोनाल्ड ट्रंप को हिलेरी क्लिंटन से कम पॉपुलर वोट मिले थे, लेकिन फिर भी वो राष्ट्रपति बने। इस बार रिपब्लिकन पार्टी ने एक मजबूत वापसी की है। न केवल डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के प्रबल दावेदार बन चुके हैं बल्कि उनकी पार्टी ने अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों में भी बहुमत प्राप्त किया है। इसका मतलब यह है कि ट्रंप अपनी नीतियों को और अधिक आक्रामकता से लागू कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या उनके पुनः राष्ट्रपति बनने के बाद कानूनी अड़चनें उनके कार्यकाल को प्रभावित करेंगी। अमेरिका में लाखों भारतीय रहते हैं और इनमें से बहुत से लोग ग्रीन कार्ड की प्रतीक्षा में हैं। ट्रंप की नई नीतियां ऐसे हजारों भारतीयों को प्रभावित कर सकती हैं जो बेहतर जीवन की तलाश में अमेरिका आए हैं। उनका H-1B वीजा कार्यक्रम के खिलाफ रुख इस समुदाय के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। यह भी संभव है कि अगर वो जेल जाते हैं तो अमेरिकी समाज और कानून पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का ये मामला केवल अमेरिका का नहीं है बल्कि ये भारतीय समुदाय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ट्रंप सजा भुगतने के बाद भी राष्ट्रपति बनने का सपना देख सकते हैं या नहीं। यदि ऐसा होता है तो ये अमेरिकी राजनीति के लिए एक नया मोड़ होगा।